क्लास 8 में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग चल रहा था। डाटा हैंडलिंग में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग ए व्हील, आपके पास एक व्हील स्पिनिंग व्हील है, ये जो स्पिनिंग व्हील है ऐसा है, ठीक है, विथ थ्री ग्रीन सेक्टर। इसमें क्या है, थ्री ग्रीन सेक्टर, मान लीजिए ये और ये ग्रीन सेक्टर है, ठीक है, वन ब्लू सेक्टर, इसको ग्रीन बना दिया, इसको ब्लू बना दिया, एंड वन रेड सेक्टर, इसको रेड बना दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने के कितने प्रोबेबिलिटी हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, ग्रीन, इसको ग्रीन, इसको ग्रीन, इसको ब्लू और रेड, इसको ब्लू और इसको रेड बनाया, तो प्रोबेबिलिटी कितना है, तो अपना टोटल 5 सेक्टर ही है, तो एक तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमको कितना मिल गया, 5 नंबर्स आ गया, और ग्रीन वाले जितने हैं वो कितने हैं, टोटल 3 है, तो 3/5 हो जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू एक ही है, ठीक है, तो नॉन ब्लू में क्या आएगा, 3 ग्रीन और 1 रेड आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि पॉसिबल आउटकम्स आर ठीक है पॉसिबल आउटकम्स इसमें क्या क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर, ब्लू सेक्टर, रेड सेक्टर, ठीक है, इतने पॉसिबल आउटकम्स इसमें हैं, 5 नंबर्स हैं, कुछ भी आ सकता है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ब्लू और रेड। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, सेक्टर कितने हैं, 5 नंबर हैं। नंबर ऑफ आउटकम ऑफ ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर के टोटल नंबर कितने हैं, तो 3 ग्रीन सेक्टर, इसलिए 3 नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। यहाँ भी आप चाहें तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक द इवेंट बाय प्रोबेबिलिटी का जो भी फॉर्मूला है, क्या है, नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक द इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 3/5। आ गया समझ में। सेकेंड क्या है, ऑल्सो क्या है कि नंबर ऑफ आउटकम ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर कितने होंगे, इसमें नॉन ब्लू सेक्टर मैंने आपको बताया 4 होंगे, एक यही जो है ब्लू है, इसमें मैंने ग्रीन 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 लिखा हुआ है, ब्लू लिखा है और रेड लिखा है मान लीजिए, तो ये इसको छोड़ के और कितने बचे, 3 ग्रीन और 1 रेड बचे, तो नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं, तो 4 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर कितना हो जाएगा, 4, और टोटल नंबर कितना है, 5, 5 सेक्टर है, इसमें 4 नॉन ब्लू है, तो 4/5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।